नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। दिल्ली एनसीआर में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने से करीब 5 करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए हैं। गृह मंत्रालय ने राजधानी के कई हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी। इसके बाद से दिल्ली एनसीआर के इंटरनेट यूजर्स परेशान हैं। दिल्ली में बीते दिनों हुई हिंसा को लेकर अब तक पुलिस ने 22 FIR दर्ज की है, जबकि करीब 300 के आसपास पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसकी बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब हुड़दंगियों की पहचान करने में जुटी है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुए बवाल के बाद हालात काबू करने के लिए देर रात तक सुरक्षा एजेंसियों को कसरत करनी पड़ी। किसानों ने जो तोड़फोड़ की, उसके बाद पड़े मलबे को वहां पर हटाया गया। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 12,690 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 24 घंटे में 137 मरीजों की जान गई। और वहीं दिल्ली में रात 2 बजे से 3 बजे के बीच तापमान 8.2 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह 5 बजे कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 400 मीटर रही। दिल्ली में ठंड का कहर ज्यादा। मथुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली से गेहूं के कट्टे उतारने के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान गोली चलने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदमाशों की तलाश शुरू की। भदोही जिले में खड़े कंटेनर में पीछे से शव लेकर जा रही एम्बुलेंस भिड़ गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसा की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। एम्स में छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें कमरे में बंद कर टॉर्चर किया गया, उनका मोबाइल छीन लिया गया, गार्डों ने मारपीट की, जिसके बाद सभी छात्र एकजुट हो गए। पुलिस से शिकायत की गई, पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमेठी के भाजपा नेता जागेश्वर वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नहर में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में 3 हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया। और वहीं सोनीपत में दो पक्षों के विवाद में जमकर डंडे चलने के साथ ही फायरिंग की गई। फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। नवी मुंबई में एक ज्वेलरी की दुकान में चोरों ने शातिर तरीके से पहले ज्वेलरी शॉप के बगल में एक दुकान किराए पर ली और छेद करके करोड़ों रुपए का माल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल फरार चोरों की तलाश पुलिस कर रही है। झारखंड में युवक ने भाभी के प्रेमी की हत्या कर लाश को झोपड़ी में फेंक दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। और वहीं क्राइम ब्रांच ने ड्रग कनेक्शन में मुंबई और नासिक से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ड्रग की कीमत करीब 70 करोड़ रुपए से ज्यादा आकी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के सीकर जिले में एक 25 साल की महिला के साथ बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने पूरी घटना की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने केस दर्ज किया, 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के नागौर जिले में बदमाशों ने एक महिला के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गए। पीड़ित परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश जारी। यूपी के कानपुर देहात में एक युवक का मुंह काला किया और उसे जूते की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। बताया जा रहा है कि युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार किया। भिवानी रोहतक हाईवे पर बाइक फिसलने के कारण 2 युवकों की मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवक के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गोरखपुर में एक शख्स का शव कुंडी से लटकता हुआ मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। फिलहाल पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। रायबरेली में लापता हुए किशोर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मृतक के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर बेटे की हत्या की आशंका जता दी है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। हरियाणा के रोहतक में महिला ने जहरीला पदार्थ खाया और फिर फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। वहीं 2.5 साल के बच्चे को भी जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई है। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी है और इंसाफ की गुहार लगाई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद की। आरोपियों से 1,74,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। पुलिस ने मामले में 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। संत कबीर नगर में 15 वर्षीय किशोरी का शव तालाब में मिला, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को तालाब से बाहर निकलवाया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। किशोरी की मौत से परिजनों में हड़कंप मच गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसक प्रदर्शन के बाद से ही कंगना रनौत लगातार इस आंदोलन पर सवाल खड़े कर रही है। कंगना ने कहा, ये दलजीत के चेहरे पर थप्पड़ नहीं है, यही तो वो चाहता था और जो चाहिए था वो इस देश ने थाली में सजा कर दे दिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा प्रदर्शन के बाद से ही माहौल गर्म है, पर एक्ट्रेस हिमांशी खुराना अपना रुख पर कायम है। वह हिंसक प्रदर्शन के बाद भी किसान का समर्थन कर रही हैं और सभी से सपोर्ट करने की अपील कर रही हैं।
बीसीसीआई ने साफ कह दिया है कि इंग्लैंड के साथ होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए चेन्नई के होटल में चेक इन करने से पहले भारतीय खिलाड़ियों को कोरोना टेस्ट करवाना होगा। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ। नमस्कार।